इनको छोटा बड़ा किसान उन्होंने बताया वो चला गया, माओवादी बताया, बाहर की फंडिंग इन्होंने बताया। अब इनका जो अगला टारगेट है ये है कि इनको जातियों में तोड़ दो। तो उन जातियों के समीकरण को कैसे हम बचा कर रखेंगे, उसको हमको बचना पड़ेगा उससे। अब ये बता लगे जी ये तो आंदोलन कुछ पंजाब के लोग हैं, कुछ हरियाणा के हैं और कुछ उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा है। कल भी कुछ चैनल के लोग बात कर रहे थे, हमने कहा कि ना ज्यादा बता रहे भाई, चार पांच सोनीपत के गांव हैं, चार पांच गांव तो सोनीपत के हैं, दो एक गांव पंजाब के, तीन चार गांव मुजफ्फरनगर के, सात गांव का आंदोलन है, ये तो ज्यादा बता रहे आप इसको। यहां पे भी जो रामचंद्र उसका नाम काट दो, आगे जाति का नहीं वो किसी का, वो बीजेपी का सांसद है, यहां किसी जाति के खिलाफ आंदोलन नहीं था, वो बीजेपी के सांसद के खिलाफ था। जातियों का सहारा लेकर बचना चाहते हैं तो ये तो नहीं होगा। ये जो सरकार है ये तोड़ फोड़ने का काम करती है। ये तो आरएसएस के लोग ऐसे हैं, ये अगर तीन भाई हैं कहीं एक के पास में बैठने लगे तो आप पुन्यारे करवाइए। हरियाणा में क्या करा इन्होंने, हरियाणा में इन्होंने जाट वर्सेस पे काम करा, ये गुजरात में गए तो पटेल नॉन पटेल पे काम करा, ये महाराष्ट्र के अंदर गए तो मराठा नॉन मराठा पे काम करा, ये उत्तर प्रदेश में गए तो हिंदू मुसलमान पे काम करा, ये बिहार के अंदर गए तो लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा। उन्होंने कहा कि यहां पर मजबूत सा परिवार है उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह वाला उसके भाई चाचा में उसमें बंटवारा कर दिया। यहां पर हरियाणा में आया तो यहां पे भी घमासान कर दिया, एक परिवार में तोड़ फोड़ कर दिया, एक के पीछे किसान लट्ठी लेके फिर रहा, दूसरा अपने आप को करता फिर रहा, तो यहां पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। फिर जातियों में आ गए, फिर घरों में घुस गए, फिर महिलाओं को तोड़ दिया। तो इनसे भाई बचना पड़ेगा इन लोगों से। ये अगर पार्टी जो सरकारें हैं, अगर ये बीजेपी की भी सरकार होती तो भी वो बातचीत करती। ये सरकार है मोदी की और मोदी की सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। जिन लोगों ने ये पार्टी बनाई थी वे तो मकान के अंदर बंद हैं, उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। अडवाणी जैसे लोग, मुरली मनोहर जैसे लोग जो मंचू पे साथ आते थे, स्वदेशी की बात करते थे, बहुत ज्ञानी आदमी थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है और अपने ही फैसलों को चुनौती दे रहे हैं। 2011 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी जो मुख्यमंत्रियों की कमेटी थी, उस कमेटी में एक प्रस्ताव था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। ये उसके अध्यक्ष थे कमेटी के, वो कमेटी ने प्रस्ताव दिए, उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास में वो प्रस्ताव गया, वो प्रस्ताव आज भी रखा हुआ है। उन्होंने नहीं करा, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाया। इसके बाद में ये काले कानून, ये 2012 में उस टाइम की जो कांग्रेस की सरकार थी वो एक काले कानून लेकर आई थी। इन्हीं के लोग सुषमा स्वराज, कई इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने स्पीच दी लोकसभा में भी, विधान लोकसभा में, राज्यसभा में, अरुण जेटली, उन्होंने कहा कि ये काले कानून है जो ये सरकार लेकर आई है, इन कानून को वापसी होना चाहिए। जो खरीद करता है मंडी में आड़ती, वो किसान का एटीएम है, रात को भी पैसे चाहिए तो ले लेते हैं, उनके बयान है पूरे। हमारी समझ में ये नहीं आया कि 2012 में जो कानून काले थे वे 8 साल में कानून सफेद कैसे हुए। 2020 में यही जब इनकी सरकार आ गई तो उसी कानूनों को लेकर आए
तो 8 साल के उसमें वो रंग उनका सफेद कैसे हुआ? या तो उस टाइम पे वे सफेद कानून थे या आज वे काले कानून हैं। इन्होंने कहा कि ये एमएसपी पे ना कानून बना रही वो वाली सरकार और गलत तरीके के कानून लेकर आई, या सरकार खराब है, इसको बदलना पड़ेगा। ये मन छुपाए पूरा देश लगा, वह गवर्नमेंट को गिराया गया। आज फिर ये आगे हम इनको कह रहे हैं कि भाई अपने ही कानून को आप लागू कर दो भाई, एमएसपी गारंटी कानून आपकी फाइल है उसको लागू कर दो। उन्होंने कहा कि पहले वाले ने लागू नहीं करा भाई, पहले वाले ने लागू नहीं करा, वो चली गई सरकार, अब तो आप हो। और जो कानून 2012 में काले थे वे 2020 में सफेद कैसे हुए? इनके पास में कोई जवाब नहीं है। ये पूरी दुनिया में, यहां नहीं बहुत कंट्री में, ये पूरी दुनिया में अनाज पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, ये भूख के ऊपर व्यापार करना चाहते हैं, ये रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। आज कह रहे कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है तो अप्रैल तक हम अनाज फ्री देंगे, उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि अप्रैल तक उनकी वोट चाहिए। जो केएफसी और मैकडोनाल्ड कंपनी का नाम बहुत ने सुना होगा, जो यूथ है हमारे, वो बचा हुआ भोजन जब शाम को क्लोजिंग होता है उनका 8 और 9 बजे, वो जो बचा हुआ भोजन है वो अपने कर्मचारी को भी नहीं देते, वो डस्टबिन में कचरे के डब्बे में उसको डालते हैं। अगर 2 गुलाब जामुन के पीस बच गए, अगर उसका बिलिंग होगी तो उसका कर्मचारी खा सकता है जो उसको बांटता है पूरा दिन, अगर उसका बिल नहीं कटा तो कचरे के डब्बे में जाएगा, उसको खाने के लिए नहीं देना चाहते। इसीलिए रोटियों पर अनाज पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। और ये एक नहीं है, ये कानून और भी है। दूध की भी एक पॉलिसी आ रही, इन्होंने कहा कि बाहर की जो कंपनी आएगी वो 20 रुपया लीटर दूध गांव में बेचेंगे कोल्ड ड्रिंक की तरह, 22 रुपया लीटर। अगर 22 रुपया लीटर ये बाहर का दूध गांव के गांव में बेच देंगे तो अपने पशु का क्या होगा? वो तो गया। टर्की एक देश है, उसमें एक भी पशु नहीं है, आज सब खत्म हो गया। यही बिजली अमेंडमेंट बिल में है कि जिसके पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की पूरी बिजली प्राइवेट कर दी, तो ये पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ पूरा सर्किल है। इनका लास्टली टारगेट ये है कि ये जमीन इनको चाहिए, ये जमीन पर नजर है इनकी। आपने केसीसी बहुत लोगों ने ले रखा होगा, जो बड़ी बड़ी बाहर की कंपनियां हैं वे आ रही, वे कहेंगे कि हम जितना भी केसीसी ले रखे हैं हम आपके पैसे दे देते हैं बैंक को, और ये केसीसी की जो रिकवरी करने का अधिकार है वो हमको दे दो, आपके घर में फिर प्राइवेट लोग जाएंगे कि पैसे दे दो, आप पे पैसे नहीं होंगे, कहेंगे जी जमीन दे दो। तो जमीन कैसे छीनने जाएगी, पूरा प्लान इनका बना हुआ है। यह आंदोलन ना चलता तो बहुत देश अब तक बेच दिया जाना होता। पुलिस के लोग इनको भी इतनी पता, अभी नए थाने और खुलेंगे उसके लिए अभी जगह तलाश कर लेना। अभी महिलाओं के थाने खुले, फिर बिजली के थाने खुलेंगे, अब नए थाने खुलेंगे, बीच पुलिस बनेगी, सीड एक्ट जो आ रहा है उसमें बीच के थाने खुलेंगे। आपने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है वो तलाश करेंगे। एक कंपनी के लोग कहेंगे जिसने मेरा बीज चुरा कर बोया, ये तो आप रसीद दिखाई हो कहां से खरीदा, आपने अगर किसी पड़ोसी से खरीद कर किसी से बो दिया उसका अधिकार होगा कि बीज पे कंपनियों का अधिकार होगा। थाने खुलेंगे, सजा और जुर्माना दोनों है उस पे। तो जमीन तो जानी, अरे भाई जो भगत लोग हैं इनके, प्रशासन के लोग भी होंगे, 10 साल पुरानी गाड़ियां, ट्रैक्टर, जनरेटर, पंपिंग सेट आप कुछ नहीं चला सकते। जो भगत लोग हैं भाई, जो ये करते हैं कि नहीं नहीं हमारे लिए तो वही वही देवी देवताएं हैं, यही जो पार्टी है यही है, हमारी पूजनी है, तो भाई अपना जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर है वो जरा खड़ा कर दो, जो पंपिंग सेट है जिससे धान की वो कर रहा वो अपना खड़ा कर दो, कानून को मानने हैं। ये कानून आ गया है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, जनरेटर, कोई भी डीजल से चलने वाला वाहन 10 साल पुराना नहीं चलेगा।
इनके यहां पे भी ऑफिस में भी खड़े होंगे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी होगी 32-32 साल पुरानी पावे जी, इनसे भी जरा पूछ ले करो, क्योंकि पूछताछ कम करो आप, लाठी ज्यादा रखो, पूछताछ करो कौन से। एक भी पुलिस की गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं पाएगा, ये पुलिस वाले भी भाई ध्यान से सुन लो, एक भी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं पाएगा आपकी, आप जो भागो और काट ले चलान, या तो आप भी ठीक काम कर लो, हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे, क्योंकि कोई शहर से रुस्सा नहीं आ रहा कोठियों सा, सारे गांव के ही परिवार के लोग हैं। और सैनिक बल जो 22,000 रुपए में नौकरी कर रहा है, पेंशन खत्म होती जा रही आप लोगों की भी, तो ये मजदूर की भी लड़ाई है, ये जो कर्मचारी है उसकी भी लड़ाई है, ये लड़ाई लंबी चलेगी, और लंबी लड़ाई जो भी चलती है वो शांति से चलती है। अभी बातचीत आपकी होगी, बातचीत तो प्रशासनिक अधिकारी बता देना अपने वहां पे चंडीगढ़ तक, बातचीत करके या तो समझौता कर लेना, जो किसान बात कहेगा, जो हमारा प्रतिनिधि मंडल जाएगा उससे बातचीत कर लेना, नहीं तो आपको बता रहा क्या, अपनी घोषणा कर देना, हम रात को हिसार में ही रुकेंगे, अभी जाएंगे हॉस्पिटल में, रात को रुकेंगे हिसार में ही, सुबह भी उसका पता लेकर आएंगे, और फिर कल आपकी दबे फिर आपका था पता लेंगे, अगर बात नहीं बनेगी तो फिर आपका था पता लेंगे, अपना जो घोषणा कर दी घोषणा करेंगे, हमारे अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे उस बातचीत के बाद। तो यह है कि अपनी बात निपटा दो, हमने 26 तारीख तक का भारत सरकार को समय दिया है, 26 तारीख तक भारत सरकार के पास में भी टाइम है, बातचीत कर लें, हमारा संयुक्त मोर्चा बातचीत करना चाहता है, 26 तारीख के बाद में हम भी अपने टेंट बदलने का काम करेंगे, फिर उनको टेंट बल्ले तिरपाल नया करने का काम करेंगे, जाएंगे तो नहीं, ये गलत फहमी अपने दिमाग में से सरकार निकाल दे कि ये किसान वापसी जाएगा, ये किसान वापसी नहीं जाएगा, बगैर समाधान के संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा हमारा, बातचीत को तैयार है, संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। आप बातचीत करो शांति से, हमने एक गेम आग्रह था, पहले एक नोकिया का छोटा सा फोन आवा था, उसमें एक गेम था, एक सांप सीढ़ी सी का, उस पर नंबर थे, अगर उसे 6-7 पर 8 पर चलाओ थे तो जल्दी टकरा जाता, अगर उसे 4 और 5 पर चलाओ थे तो उस पर नंबर ज्यादा बने थे। तो ये है कि भाई टेम्परेचर जो हाई है किसान का, क्योंकि 200 से तो किसान का टेम्परेचर शुरू हो, तो अपना शांति से काम करो आप, और पुलिस प्रशासन से भी है अपना जगह देख लियो, कोई दिक्कत नहीं, शांति से कर लियो अपना फैसला, सुनाइयो बाद में, और फिर कल संयुक्त मोर्चे में भी अपने सुझाव रखेंगे कि घिराव में कौन कौन लोग आएंगे, उनको चिन्हित करेंगे, जैसे ये नहीं रखते कि ये कैबिनेट मिनिस्टर हो गया और ये स्टेट मिनिस्टर हो गया और ये बिनाई उसका विधायक बन गया, मंत्री बन गया बिनाई चुने, तो ऐसे ही घिराव और काले झंडे किस किस को दिखाने वो डिफाइंड कर लेंगे पूरा। यूपी में तो एक कंपटीशन कर दिया, उन्हें कह रहा है कि जहां पर मुख्यमंत्री की इनकी मीटिंग होगी उससे 10 गुना मीटिंग करेंगे उसी फील्ड में, अमरोहा में मीटिंग थी 7,000 आदमी उसके इकट्ठे हुए, अपने वालों ने तय कर दिया कि भाई 8 दिन बाद में इससे मीटिंग ज्यादा करेंगे, तो ऐसा कंपटीशन हुआ कि वो तो बारिश होगी नहीं तो 1.5 लाख आदमी इकट्ठा होता, और बारिश होने के बावजूद मीटिंग कैंसिल करने के बावजूद करीब 250 ट्रैक्टर आए वहां पे, और नाच कूद गए क्योंकि खाना बना के जाए वही बारिश में चले गए, अगली मीटिंग फिर रखी, करीब 60,000 लोग आए वहां पे अमरोहा में, अभी केरल में आज मुख्यमंत्री की मीटिंग हो रही, हमने कहा भाई काले झंडे मत दिखाओ, वो पीएससी की कुछ घोषणा करने आ रहा, वहां पर मीटिंग रखो अपनी 8 दिन बाद की, तो ऐसा कंपटीशन लग गया कि जहां मुख्यमंत्री आ रहा उससे 20-20 गुना भीड़ इकट्ठी हो रही,
कि लगा वैसा बड़ी करके दिखाओगे, उसमें सरकारी बस भी लगे, प्रशासनिक अधिकारी भी लगे और अपने वाले आवे ट्रैक्टर से कराने में, उसमें कराने में होगी। पानीपत से नजदीक है, आप भी बताइए, एक तमाशे से दो तमाशे ठीक, वो भी देखना है। पानीपत के लोग जरूर बुलवाओगे वहां पे, आज शाम तक वो मीटिंग की डिक्लेरेशन कर देंगे। मैं कहा जहां पे ये मीटिंग कर रहे हैं वहीं उसी फील्ड में मीटिंग करो। तो देखो इनको जनता तो इनको वोट दे नहीं रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन इन्हें धोखेबाज वोट है, जालसाज है, धोखेबाज है, जाली लोग हैं। इन्होंने पूरे दुनिया देश के संस्थानों पे कब्जा कर लिया, कोई कोर्ट कचहरी बोलने को तैयार ही नहीं, फैसले गलत सलत दुआ उन्हें एक गोलपट्टा राज्यसभा का और दिखा दे, वो जाके फिर वहां चले जाओ, दो साल लोग को फैसले करवावे, फिर राज्यसभा दे दे, जांच होगी सबकी भाई, जांच सबकी होनी, जो गलत सलत कोई फैसले किसी भी उस पर करेगा। अजय टेनी यहां के प्रशासनिक अधिकारी समझ लेना, अजय टेनी गृह राज्य मंत्री, उसी के क्षेत्र में, उसी के थाने में, लखीमपुर में 120 बी का मुलजिम बना है वो, उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है 120 बी पे, उसका लड़का 302 का मुकदमा है, जेल में है अभी भी, मतलब इतना डरने की कहां जरूरत है, प्रशासनिक अधिकारी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत काम करा है तो रिपोर्ट दर्ज करो उसके खिलाफ, और भाई रिपोर्ट दर्ज नहीं करोगे तो आंदोलन झेल लो, प्रसाद तो लेना पड़ेगा, जाओगे भाई तो प्रसाद तो लोगे, तो अपना फैसला कर करो, डरने की घबराने की जरूरत नहीं, शांति से आगे का फैसला जब करकाएंगे वो कमेटी बताएगी, जो पांच लोगों को जिनको चलना, हम एक बार डॉक्टर से हिसार से भी मिल ले, हम यही रहे, रात को बुलाओगे हम फिर आ जाएंगे, रात को हम यही रुकेंगे, पूरे हालात का जायजा लेंगे, संयुक्त मोर्चे ने कहा कि रात को वहीं रुकना, कल फिर सुबह ही निकलते, ये अगर आप यहां रुकोगे तो निकलते ही आएंगे, नहीं तो टोल पे जाएंगे और कल फिर यहां से वापसी जाएंगे, रात को यही है। जो पांच लोग हैं आप जोन जोन को कहां कहां जाना, आप बातचीत करके और अपना ड्यूटी लगाओ, जिसको जहां जाना वो जाएगा, और जो हमारी माताएं बहने हैं भाई इनको तो अपना, क्योंकि टाइम भी हो जाता है इनका, दारों पर उसका इनको जान दो, हाँ और क्या।